आज हम बनाएंगे बिल्कुल ही सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाली लाजवाब मिठाई, जो कि खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आइए शुरू करते हैं हम इसको बनाना। तो इसके लिए हमने एक सबसे पहले जार को ले लेना है और इसमें 10 बारह काजू डाल देने। काजू डालने के बाद इसमें हम 10 बारह बादाम डाल देंगे। इसके बाद हमने 5 या 7 के आसपास पिस्ता को ले लिया है और ये थोड़ा सा हमने मावा ले लिया है और उतना ही हम पनीर को ले लेंगे। इसके बाद हमने 1 बड़ा चम्मच चीनी ले लिया है और थोड़ा सा इसमें हम 1 बूंद के लगभग फूड कलर डाल देंगे। फूड कलर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और इसके बाद हमें इसको पीस लेना है। तो इस तरह से हमने इसको पीस लिया है और इसको अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सभी को इसमें प्लेट में निकाल लेना है इसे। इसके बाद हम थोड़ा सा हाथों में घी लगा लेंगे और इसके छोटे छोटे से गोले तैयार कर लेने। तो इस तरह से इसके गोले तैयार कर लेने हमें। तो इसके 7-8 गोले लगभग बन जाएंगे। तो हमने सभी को ही बस बना के तैयार कर लिया है इस तरह से। अब हम एक अलग से बाउल ले लेंगे और इसमें हमने 1/2 कटोरी फ्रेश मलाई ली है। मलाई इसके लिए ताज़ा इस्तेमाल करें और इसे अच्छे से चम्मच से मैश कर लेना है। तो मलाई को मैश कर लेना है इस तरह से। और इसे मैश करने के बाद हमें इसमें 1/2 कटोरी ठंडा दूध को डाल देना है। तो दूध इसमें ठंडा इस्तेमाल करना है और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच या तो बूरा डाल सकते हैं या फिर पिसी चीनी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें बूरा डाला है 1 चम्मच के लगभग और इसे भी अच्छे से मिला लेना है। तो तीनों चीज़ों को अच्छे से इसमें मिला लेना है। इसके बाद हम ब्रेड को ले लेंगे और ब्रेड का जो साइड का हिस्सा रहता है इसे काट लेना है। तो चारों तरफ से इसे इस तरह से काट लेना है और सारी ब्रेडों को हमें ऐसे ही इसको काट कर लेना है। तो हमने सभी को काट लिया है। इसके बाद हम ये घोल लेंगे और ये ब्रेड को ले लेना और इसमें इस तरह से डिप कर देना है और इसे दोनों हाथों से अच्छे से इस तरह से दबा देना है। सारा इसका जो भी दूध है इसके अंदर वो निकाल लेना है और इसमें एक एक करके इस तरह से इनको रख देना है और इसको बिल्कुल बंद कर देना है। इस तरह से लड्डू की शेप दे देना है। तो सारे हमें इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। तो एक हमारी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। तो हमने सभी को बनाकर तैयार कर लिया है। इसके बाद जो हमारे बचा हुआ था इसको भी हमें इनके ऊपर डाल देना है इस तरह से। तो इनमें और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसको डालने से। और इसको फ्रेंड्स एक बार ज़रूर बना कर देखेंगे, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है मिठाई। और बिना गैस जलाए हमने बनाया है इसे। तो सभी को इसके ऊपर डाल देना है अच्छे से। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी गार्निश कर देंगे। तो हमने थोड़ी सी पिस्ता ले लिए थे, उनको डाल देना है थोड़ा थोड़ा सा। तो थोड़े से पिस्ता डाल देने हमें। आप चाहें तो बादाम भी डाल सकते हैं काट के। इसके बाद हम इसके इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे ऊपर से, जिससे हमारी मिठाई देखने में भी अच्छी लगेगी।
तो इस तरह से एक एक बूंद सब्जी के ऊपर हमें डाल देना है। तो मिठाई हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी।